गाइस, शायद सा आप लोगों को याद होगा, कल मुझे एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक अंडा मिला था। उस इलेक्ट्रिक अंडे से मेरे को मिला रेहाउंड, एक पालमोन जो कि काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक टाइप पालमोन है। एंड आज रेहाउंड के मदद से मैं इस दुमत को हराने वाला हूँ, जो कि एक वाटर ग्राउंड टाइप है। आई थिंक गाइस ये ग्राउंड टाइप ही है, ठीक है। बट गाइस ये हरा देगा। गाइस मेरा रेहाउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर रेहाउंड नहीं हराएगा तो गाइस मेरे टीम में काफ़ी सारे ऑप्शन है। बट आज का एपिसोड काफ़ी मजा आने वाला है, ठीक है। जैसे कि उरी बॉप, बिकॉज ये वाटर टाइप हमले छोड़ रहे हैं। बट यार मेरे रेहाउंड के पास बहुत सारे ओपीओपी मूव्स है, जैसे कि देख पड़ रही है स्टैटिक इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक वेव, ऐसे करके मूव्स यूज कर सकता है, ठीक है। एंड गाइस मुझे लग रहा है गाइस मुझे डूमर को पकड़ लेना चाहिए। वैसे तो गाइस मेरे पास एक डूमर है, बट ये एक बॉस डूमर है। एंड इसके पास कुछ अलग एबिलिटीज होंगे, अलग पैसिव अटैक्स होंगे, तो डेफिनेटली मैं इसको तो पकड़ने वाला हूं। तो चलो गाइस जल्दी से खत्म करते हैं। ओ गाइस ये हारने वाला है। एंड मेरे पास 31 पल्स स्पीयर है। आज ना मैं गीगा स्पीयर भी बनाने वाला हूं, वो मेगा स्पीयर से भी ज्यादा बढ़िया है। जैसे कि देख पा रहे हो अभी गाइस काम नहीं आ रहा है, जैसे कि देख पा रही है ब्लॉक कर रहे हैं मेरे स्पीयर्स को, ठीक है। थोड़ा सा वर्क लगेगा एंड देन ओनली गाइस मैं इसको, अरे बाप रे, ये देख रहे हो यार लूप मून को निकाला। एंड लूप मून ने आइस टाइप अटैक यूज किया। यार लूप मून यार आइस टाइप अटैक तूने कब सीखा? अब देखते हैं गाइस मैं इसको पकड़ पाऊंगा कि नहीं। आई थिंक गाइस मैं इसको नहीं पकड़ पाऊंगा, और भी मुझे स्पीयर्स फेंकना पड़ेगा। फिर से मार रहा हूं, अब तो आ जा नहीं तो लूप मून तेरे को मार देगा, ठीक है। ओके गाइस नहीं हो रहा है गाइस, मुझे फिर से फेंकना पड़ेगा। अरे अरे गाइस मैं क्या कर रहा हूँ यार, लूप मून यार इसको मार मत देना, ठीक है, क्योंकि मुझे इसको पकड़ना है। मैं इसका मेन मूव यूज कर रहा हूँ इसके ऊपर। आई थिंक गाइस थोड़ा सा इसका हेल्थ और मुझे कमाना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से करना, क्योंकि बोल भाई पालमोन और बहुत ही कमाल के गेम्स लेकर के आएंगे इस साल, ठीक है। एंड बहुत ओपीओपी मूव्स बोल रहा हूँ यार, गेम्स आएंगे, ठीक है। एंड गाइस मैंने इसको पकड़ लिया है, आप गाइस आगे मूव करते हैं। चलो आज मेरा मेन मिशन ये है कि मेमोरेस को जैसे तैसे करके पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड यार स्पार्क ब्लास्ट भी सीख लिया यार। वाओ गाइस रेहाउंड तो काफी स्ट्रॉन्ग बनते ही जा रहा है यार, बनते ही जा रहा है। लेट्स गो होम गाइस, कुछ चीजें करना है, ठीक है। अरे बाप रे गाइस ये मूव देख रहे हो, नाइस। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज गाइस हो सके तो लाइक जरूर से कर देना, एंड वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। गाइस काफी रात हो चुका है एंड अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है, फ्लेमेबल अपना बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो लेवल 21 का हो चुका है। एंड ऑल्सो गाइस यार ये देखो मेरा अभी रेहाउंड भी काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, ये भी लेवल 21 का हो चुका है। और एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, कल मैं जब फॉरेस्ट एरिया में घूम रहा था, मैं एक अलग जगह में गया था, आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सा वाला जगह था। वो जगह था आई थिंक हाँ इधर ही कहीं पे था। एंड इसी वाले जगह पे मेरे को मिला था, एक मिनट गाइस, मेरे को मिला था ये वाला पाल, एक मिनट ये। एंड ये है गाइस रॉबिन क्विल टेरा। एंड एक मिनट आप लोग देखो, ये रॉबिन क्विल टेरा थोड़ा सा डेसिड्यू की तरह है ना ब्रो, थोड़ा सा डेसिड्यू की तरह है। एंड गाइस ये ग्रास एंड रॉक टाइप का है एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है गाइस। इसका ना एबिलिटीज भी मेरे को डेसिड्यू की तरह ही लगता है, क्यों मैं आप लोगों को चलो दिखा देता हूँ। एंड आज मेरा मेन मिशन यही है कि मेमोरेस को पकड़ना है। एंड मेमोरेस को पकड़ने के लिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने गीगा स्पीयर भी बना लिया ब्रो, गीगा स्पीयर। एंड ऑल्सो गाइस मैं अभी दो बेस बना सकता हूँ, बट आज मैं बेस का काम नहीं करने वाला हूँ, कल मैं बेस का काम करने वाला हूँ। आज मुझे मेमोरेस चाहिए, क्योंकि मेमोरेस को पकड़ने के बाद ही गाइस मजा आने वाला है। चलो गाइस दिखा देता हूँ, इसके साथ लड़वा के दिखा देता हूँ, ठीक है। कमॉन रॉबिन क्विल, ये काफी पावरफुल है। मुझे अंडा मिला, ये देखा क्या पावरफुल अटैक मारता है ब्रो, बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक मारता है, एकदम डेसिड्यू की तरह है गाइस, डेसिड्यू पोकेमोन की तरह ही है। अब अगर फिर से बोलूंगा मैं इसको मारने के लिए, मार, इन दोनों को ही मारो, कमॉन। ग्रास एंड रॉक टाइप है ब्रो, ग्रास एंड रॉक टाइप इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्या, इसके निशानी से कोई बच नहीं सकता ब्रो, इसके निशानी से बच नहीं सकता। अगर आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना है, चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, वाइल फाइटिंग टुगेदर अलाउज यू टू डील मोर डैमेज टू वीक पॉइंट्स, ठीक है, क्रिटिकल डैमेज देता है इसका मतलब। एंड ऑल्सो गाइज एक मिनट, यहाँ पर सही से नहीं आ रहा है इसका, एक मिनट आएगा आई थिंक। ये देखो हॉक आए, इसका निशाना कभी भी मिस नहीं होता ब्रो, ये हॉक आए, हॉक आई पैसिव एबिलिटीज है ब्रो। एंड मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ, चलो फटाक से देख लेना, मैं इस वक्त इधर हूँ। एक्चुअली गाइस मैं शायद से पहले फाइट करूँगा किंग पाका के साथ, क्योंकि किंग पाका का आप लोग हेल्थ देख पा रहे हो, लेवल देख पा रहे हो, लेवल 23 का है, तो इसके साथ मैं आराम से फाइट कर पाऊंगा। तो चलो गाइस पहले किंग पाका को हराते हैं, उसको पकड़ते हैं, एंड देन गाइस मेमोरिस के साथ पंगा करने के लिए जाएंगे, क्योंकि मेमोरिस के साथ लड़ने के लिए मुझे तगड़ा टीम चाहिए। मेमोरिस लेवल 38 का है ब्रो, एंड मैं सोलो खेल रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंगल प्लेयर खेल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एंड गाइस अगर आप लोगों को ये गेम चाहिए तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत ही सस्ते दाम में ये गेम
मैं आप लोगों को दिलाने वाला हूँ, ठीक है? तो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल को ज्वाइन कर लेना। एंड ऑल्सो गाइज, यहाँ पे कहाँ पे है गाइज तावर? अच्छा, इतने दूरी में है क्या? 200 मीटर दूरी में मुझे जाना पड़ेगा। तू आ जा ब्रो, एंड चलो तू फिर से निकल ले, लेट्स गो। ओके गाइज, चलो फटाक से फास्ट ट्रेवल कर लेता हूँ। ओके, डिसमाउंट, लेट्स गो। एंड मेरा कैब आप लोगों को कैसा लग रहा है यार? ओके, किंग पाका के पास जाना पड़ेगा ना। किंग पाका ये रहा गैस, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। डायरेक्ट मैं किंग पाका के पास नहीं जा सकता हूँ ना। नहीं 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 गैस, मुझे फास्ट ट्रेवल करना पड़ेगा। पहले स्मॉल सेटल में आ गए हैं गैस, स्मॉल सेटलमेंट में। अभी फटाक से देख लेता हूँ मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा। मुझे शायद से इस तरफ जाना पड़ेगा, राइट? नहीं नहीं गैस, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। तो फटाक से नाइट विंग को फिर से निकाल लेता हूँ। नाइट विंग, चल मेरे को उठा ले, लेट्स गो। यस गैस, मुझे इस तरफ, ये उठ नहीं पा रहा, मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। सही जा रहा हूँ ना? हाँ गाइस, एकदम सही जा रहा हूँ ब्रो, एकदम सही जा रहा हूँ। लेट्स गो। एंड ये मेरे को गिरा देगा तो मुझे यार अब ऐसे ही ऊपर चढ़ना पड़ेगा। लेट्स गो। ओके ओके, चढ़ ले बेटे, चढ़ ले, चढ़ ले, चढ़ ले, चढ़ ले, चढ़ ले, चढ़ ले। इधर थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकता हूँ। ओके 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 ओके, अबे गिर जाएगा क्या? मेरे को क्यों लग रहा है कि ये गिर जाएगा? ओह नहीं, बच गए ब्रो, बच गए। फिर से निकाल लेते हैं। कम ऑन नाइटविंग, बड़ी आ जा। ओके, टेक मी। देख रहे हो कितने सारे इलेक्ट्रिक टाइप्स हैं। एंड ये रहा गाइस किंग पाका। इस बार ना किंग पाका बचेगा नहीं। एंड मैंने क्या बोला था, वो पहले तो इन लोगों को उड़ा देता हूँ, पहले तो इन लोगों को उड़ाना पड़ेगा। ये ले साले, ये ले पावर बम खा। दोनों के ऊपर ही लगेगा। एक तो गया, चलो इसको उड़ा देते हैं। ये गया, ये गया, क्या क्या क्या, बाय बाय यार, मेरे साथ लड़ेगा बेटे। ओ यहाँ पे, ओ गाइस यहाँ पे तो ढेर सारे हैं यार, हैं? रुको गाइस, रुको रुको, इन लोगों को दिखाना पड़ेगा, इन लोगों को दिखाना पड़ेगा। ये गए, गए ना, हैं? कैसा लगा ब्रो, मेरे साथ लड़ोगे? ओके, तो जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे मेल पाका है, यहाँ पे दो मेल पाका है। एंड मुझे 100% लग रहा है कि ये मेल पाका का इवोल्यूशन ही किंग पाका है, ठीक है? चलो गाइस आप फटाक से उतरते हैं। ये नॉर्मल टाइप है ना, नॉर्मल टाइप के साथ बेस्ट पंगा कौन ले सकता है पता है? नॉर्मल टाइप को हराने के लिए बेस्ट हो, नहीं नहीं गाइस, ओ हाँ हाँ, नॉर्मल टाइप को हराने के लिए बेस्ट होगा ये डार्क टाइप। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है किंग पाका, क्योंकि बहुत कमाल का बॉडी स्लैम भी दे सकता है। एंड ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, ठीक है? एंड ये एक मिनट, ग्रैपलिंग गन नहीं निकालना है। चलो गाइस, मैं फटाक से इसको थोड़ा सा उकसा देता हूँ। अरे ओके, आ जा बड़ी। एंड नाउ गाइस मजा आने वाला है, कम ऑन। अब लूप मून भी है मेरे पास, तो मुझे इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं। ये कहाँ पे भाग रहे है? शिट। ओके, नो 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 गाइस, जैसे कि देख पा, ओ नहीं, अरे मेल पाका को दो या तीन फटके में ही उड़ा देगा। जैसे कि देख पा रहा हूँ लूप मून अटैक इज हाईली इफेक्टिव, ठीक है? तो बहुत बढ़िया बैटल करने वाला है, बहुत बढ़िया बैटल करने वाला है किंग पाका। तू इस बार मेरी टीम में डेफिनेटली आएगा। मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर ही देता हूँ। मुझे मेल पाका को मारना पड़ेगा। मेल पाका कहाँ पे चल गया? ये ओ शिट, शिट गाइस, मेरे शील को तो पूरा उड़ा दिया यार, मेरे शील को तो पूरा उड़ा दिया। ओ शिट, तेरी ये मजाक, ये ले, ये तो क्या, ओ डेंजर सिचुएशन गाइस, डेंजर सिचुएशन में आ गया यार। ओ शिट गाइस, ओ शिट, अब थोड़ा सा गेम को हटके टाइप खेलना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा अपने रेहाउंड को। ओ शिट गाइस, ये पावर बॉम्ब यूज कर रहे हैं। कमान, जल्दी से खत्म कर रेहाउंड, जल्दी से खत्म कर। ये क्या कर रहा है गाइस? रेहाउंड कर क्या रहा है? पहले इसको मार, मेल पाका को मार ले। देख रहे हो, देख रहे हो, रेहाउंड अच्छी तरीके से बैटल भी नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। ओके मार रहे, अब मार रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नाइस। अब सिर्फ किंग पाका ही बचा हुआ है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। अब मजा आने वाला है ब्रो, अब मजा आने वाला है। एंड दिस टाइम आई थिंक सो मैं आराम से पकड़ पाऊंगा। वो बहुत बढ़िया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉक दिया है, बहुत बढ़िया लगा है, बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तक। आई थिंक गाइस आज मैं किंग पाका को डेफिनेटली पकड़ पाऊंगा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि यार ये सिर्फ लेवल 23 का है, एंड मेरे यार पालमोन्स भी लेवल 21 के हैं, ठीक है? एंड नाइस यार, मुझे भरोसा था यार रेहाउंड के ऊपर, मुझे काफ़ी भरोसा था रेहाउंड के ऊपर। कमान 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 कमान, नाइस नाइस नाइस, शेड शेड गाइस, नाइस, वेरी नाइस। कमान कमान, मार ले मार ले मार ले, और एक बहुत बढ़िया झटका दे, बहुत बढ़िया झटका दे। ये मेरे को ही मारेगा, मेरे को ही मारेगा। ओके, टाइम टू ब्रिंग दिस, टाइम टू ब्रिंग हिम। फ्लेम बेली तू आ जा, फिर से पावर बॉम्ब यूज कर। फ्लेम बेली मार मार मार, नाइस। देख रहे हो ये ड्रैको मीटियर जैसा एक मूव भी यूज कर सकता है। बट यार फायर टाइप मूव्स आर नॉट सो इफेक्टिव अगेंस्ट किंग पाका, तो मुझे इसको लेके आना पड़ेगा रॉबिन क्यूल को। कमान रॉबिन क्यूल, इसको मार ले ब्रो, तू कर सकता है। यस, इसका निशाना कभी भी चुकेगा नहीं। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थोड़ा सा हेल्थ इसका और जाने देता हूँ, एंड देन गाइस इसको मैं फेंक दूंगा गीगा स्पीयर, ठीक है? ओह गाइस, इधर ये स्लैम कितना पावरफुल है ब्रो, इसी स्लैम के बारे में मुझे डर लगता है यार।
ओ बैरियर में फंसा दिया है, बैरियर में फंसा दिया, बहुत बढ़िया, मार्टर है, मार्टर है, मार्टर है, मार्टर है, किसके ऊपर पावर बम मार रहा है। ओह नो गाइस, फिर से मुझे लूप मून को लेके आना पड़ेगा। ओके चलो गाइस, आप क्लॉ यूज करते हैं, कमान इसके ऊपर ये क्लॉ यूज कर। ओके गुड 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 गुड, इसको फ्रोजन करना था एक्चुअली गाइस। 805 में इसका हेल्थ आ चुका है, आई थिंक गाइस मैं इसको अभी पकड़ पाऊंगा, लेट्स सी। ओके ओके, ये क्या हो गया? ओ गाइस यार, बॉल बेकार में यार खर्चना नहीं है, ठीक है, इसका हेल्थ थोड़ा सा और कम होने देना है, एंड देन ओनली गाइस मैं इसको मार पाऊंगा। वैसे गाइस ये जल कैसे गया यार? अच्छा फ्लेम बेली ने इसको मारा था, लूप मून टू इसको मार ले यार, क्या कर रहा है। ओ नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई थिंक अब तो मैं इसको पकड़ पाऊंगा। यस फाइनली गाइस, आई थिंक मैं किंग पका को पकड़ लूंगा। नहीं क्या मजाक कर रहे हो ब्रो, अब तो पकड़ पाएंगे ब्रो, अब तो पकड़ पाएंगे ब्रो। गीगा स्पीयर फेंक रहा हूँ फिर भी पकड़ नहीं पाए यार। यस गाइस फाइनली मैंने किंग पका को भी हरा दिया है, मजा आ गया ब्रो। डेफिनेटली मैं किंग पका को अपने टीम में रखने वाला हूँ, बिकॉज किंग पका इज वेरी स्ट्रांग। अब गाइस मेरा टीम सुपर स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। पर गाइस मैं अपने पार्टी से किसको स्विच करूंगा यार, मेरी टीम तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे फ्लेम बेली तो डेफिनेटली चाहिए बिकॉज मेरे टीम में कोई फायर टाइप है ही नहीं। अगर मुझे चेंज करना नाइट विंग को तो डेफिनेटली चेंज नहीं कर पाएंगे, एंड रे हाउंड भी मेरे को चाहिए, बट मुझे लग रहा है फिलहाल के लिए मुझे रे हाउंड को थोड़ा सा शांत बैठाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा। एंड अब पता नहीं गाइस मैं मेमोरिस के साथ पंगा कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। फिलहाल तो गाइस मैं घर जाता हूँ एंड देखेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ठीक है। एंड मेरे पास अनयूज पॉइंट्स भी है। ओह गाइस मैं लेवल 22 का हो चुका हूँ राइट, तो क्या बढ़ाऊँ गाइस, अटैक नहीं, वर्क स्पीड, चलो अपना हेल्थ ही बढ़ा लेता हूँ क्योंकि हेल्थ काम में आता है ब्रो, कभी कभार मैं बहुत तेज़ी से मर जाता हूँ तो ये चीज़ मुझे नहीं होने देना है। एंड कहाँ पे है, एक मिनट गाइस, वेयर इज दिस फास्ट ट्रेवलिंग पॉइंट, फटाक से देख लेते हैं फास्ट ट्रेवलिंग पॉइंट कहाँ पे है। फास्ट ट्रेवलिंग पॉइंट इधर ही कहीं पे था ना, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे को देखने को मिल चुका है, लेट्स गो लेट्स गो। ओके 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 ओके, मैं स्मॉल सेटलमेंट में पहुँच गया हूँ। ओके गाइस तो ये है फास्ट ट्रेवलिंग पॉइंट, फटाक से यहाँ से घर में जा लेता हूँ, ठीक है। एंड ये रेड कलर वाला ये क्या है ब्रो, ये भी मेरे को खोल करके आना चाहिए था क्या। चलो फटाक से घर में जा लेता हूँ, एंड और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाना है, मेरे घर में कुछ न्यू पाल्स भी आ चुके हैं, ठीक है। तो गाइस आई एम इन होम एंड अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देख रहे हो, ये भी एक बहुत ही कमाल का फायर टाइप है गाइस। इसका नाम है, इसका नाम क्या था यार, इसका नाम क्या था मैं खुद ही भूल चुका हूँ, हाँ इसका नाम है आर्सॉक। जैसे कि देख पा रहे हो, इन एंशियंट टाइम्स कार्निवोर पाल्स परस्यूड देम रिलेंटलेसली, द एब्जर्ड फरी इन द क्राइज ऑफ आर्सॉक ट्रांसफर्ड इनटू अ रेजिंग इन्फर्नो व्हिच हैज बीन पास ऑन दिस डे। एंड गाइस मैंने इसको इसलिए अपने फार्मिंग पे लगाया हूँ क्योंकि इसका किंडलिंग मतलब आयरन इंगोट बनाने में, किंडलिंग करने में, एंड लंबरिंग तो लेवल 1 है बट किंडलिंग करने में ये लेवल 2 है। किंडलिंग जैसे गाइस ये खाना बना सकता है, मतलब आग का काम करने में ये लेवल 2 में है, ठीक है। तो यस, एंड जैसे कि देख पा रहे हो मेरे और भी गीगा स्पीयर्स रेडी हो चुके हैं। अब मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पता नहीं गाइज मैं यार मेमोरीज के साथ पंगा कर पाऊंगा भी या नहीं, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। चलो गाइज किंग पाका को ले लेता हूँ यार, किंग पाका कहाँ पे चल। और गाइज ये देखो मेरे पास अभी गेल क्लॉ भी है, ये भी एक कमाल का फ्लायर है गाइज, कमाल का फ्लायर है जैसे कि देख पा रहे हो, बहुत ही कमाल का फ्लायर है। बट मेरे पास ऑलरेडी एक फ्लायर है, मेरे पास नाइट विंग है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं रखा हूँ अभी तक। मेरे पास और एक आर्सॉक है, एंड गाइज कल मैंने एक बॉस डुमट को भी हरा दिया था, ठीक है, कल रात को हरा था। एंड चलो गाइस किंग पका को ले लेता हूँ। एंड गाइस बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल रहे थे कि चिलेट को ले लो, तो गाइस क्या लगता है मुझे चिलेट को लेना चाहिए क्या? मुझे भी लग रहा है कि चिलेट को लेना चाहिए, बट किसके जगह मैं चिलेट को लूँ, क्योंकि अभी मेरा टीम एकदम ही स्ट्रांग है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि कौन से वाले पाल को हटा करके मुझे चिलेट को लेना चाहिए। आई नो गाइस चिलेट इज़ वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ओ थैंक यू सो मच, यहाँ पर मुझे ढेर सारे भी पाल्स मिल चुके हैं, विक्सी ने दिया है ये, एंड एरोज भी मिल चुके हैं। ये विक्सी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है यार। ओके लेट्स गो गाइस लेट्स गो। उफ गाइस थोड़ा सा डर भी लग रहा है, बट डर के आगे जीत है, क्या कहते हो गाइस? ओह गाइस रेड, अब रेड कहाँ से आ रहा है? अच्छा इस तरफ से आ रहा है क्या? चलो इस बार मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस बार रेड में मैं यूज़ करने वाला हूँ किंग पका को। ओके चल किंग पका उड़ा, बहुत सारे आ रहे हैं यार, ये एक बॉडी स्लैम देगा तो ये लोग तो पचक ही जाएंगे। ठीक यस अब खत्म होगा, स्लैम खत्म, देख रहे हो क्या कमाल का स्लैम देता है यार, सभी को मारो। ओ गाइस ये देख रहे हो क्या बढ़िया यार ये ब्लास्ट था यार। ओके कमान बहुत सारे यहाँ भी बहुत सारे, मार ले मार ले मार ले, मैं तो बस देखता रहूंगा। किंग पका तू हैंडल कर, हैंडल कर,
गाइस क्या ओ मेरे सारे के सारे वैसे भी पाल्स आ ही रहे, तू आ जा ब्रो, मेरे पाल्स हैंडल कर लेंगे। और एक काम करो, इसको निकाल लेता हूँ यार, फ्लेम बेली सभी को जला देंगे। यार तुम लोग पत्थरों में फाइट नहीं करते हो क्या? अभी मारोगे? बहुत बढ़िया, क्या मारता है ब्रो ये अटैक, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ये जो फ्लेम बर्स टाइप अटैक मारता है ये फ्लेम बेल, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है यार, सीरियसली मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है गैस, मुझे अर्शोक को भी लेकर के जाना चाहिए क्या, क्योंकि मेमोरेस ना एक ग्रास टाइप है, एंड ग्रास टाइप के साथ पंगा करने के लिए जितना ज़्यादा मेरे पास यार फायर टाइप हो गया उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। वैसे गाइस अरे तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुम लोग ऊपर जा भी नहीं पा रहे हो, हैं क्या कर रहे हो यार, सीरियसली यार। एक काम करता हूँ गाइस, एक काम करता हूँ है ना, तू आ जा एंड तू हैंडल कर ये हैंडल कर, बहुत बढ़िया। अरे गाइस इसने एक न्यू मूव सीख लिया क्या अपना? हाँ अपना टीर चला ले, ब्रो अपना टीर वाला अटैक यूज़ कर, ये टीर वाला अटैक यूज ही नहीं कर रहा है। ओके नाइस, अब टीर वाला अटैक एंड ये ख़त्म, बाय बाय लेट्स गो। ये रहा गाइस मेमोरेस्ट, थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि लेवल 38 का है, एंड 38 मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है अगर मैं इसको पकड़ भी लूँगा तो 38 लेवल का तो होगा नहीं, लेवल 22 में ही ये सिंक हो जाएगा। ठीक है तो चलो गाइस मज़ा आने वाला है। पहले मैं निकालने वाला हूँ फ्लेम बेली को। ओह आई डोंट नो गाइस अब क्या होने वाला है। नाइस बट यार इतना भी डैमेज नहीं। अरे ये सब गाइस ये बुलेट सीट जैसा पावर यूज़ कर रहे हैं, एंड मुझे नहीं लग रहा है कि आज भी मैं यार मेमोरेस को हरा पाऊंगा। आप लोगों को क्या लगता है मैं मेमोरेस को हरा पाऊंगा? क्या बर्स्ट अटैक था ब्रो, क्या बर्स्ट अटैक था गाइस। तू आ जा ई गाइस उड़ा दिया। लूप पून को निकालते हैं, चलो गाइस लूप पून को निकालना पड़ेगा, एंड चलो अपना मेन मूव यूज़ कर। गाइस ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है यार मेमोरेस, ये मेमोरेस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है गाइस। मेमोरेस को हराने से पहले मुझे और भी ताकतवर बॉसों को हराना पड़ेगा, क्योंकि गाइस लूप पून भी हार चुका है ये भाई। यार इसके साथ कौन ही पंगा ले सकता है यार, इतना यार घमासान यूथ होने के बावजूद, घमासान यूथ तो हुआ नहीं मतलब, इतना यार मेरे दो तीन शक्तिशाली पाल्स को निकालने के बाद भी इसने मेरे को ऐसे पिचका दिया जैसे मैं कोई था ही नहीं। तो मुझे अब भागना ही पड़ेगा, भागने के अलावा और क्या ही कर सकते हैं, मेमोरीज तो मेरे को ही चेस कर रहा है। लेट्स गो। वैसे ये मेरे को पकड़ तो नहीं पाएगा ब्रो, मुझे लग नहीं रहा है कि ये मेरे को पकड़ पाएगा। मैं उस बीच में चला जाऊंगा ना ब्रो, मेमोरीज नहीं आएगा ना, नहीं आएगा यार मेमोरीज को अभी नहीं हरा पाएंगे यार ब्रो। आपको क्या लगता है नहीं हरा पाएंगे? तो मुझे लगता है मुझे केट्रेस को हारने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक बॉस है। तो चलो मिशन केट्रेस होने वाला है ब्रो, मिशन केट्रेस। चलो गाइस घर ही चलते हैं। Approximately 10 hours later. अपने टीम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि केट्रेस एक डार्क टाइप है, एंड डार्क टाइप को हराने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ड्रैगन टाइप को, एंड चिलेट इज अ ड्रैगन टाइप। ठीक है आइस ड्रैगन टाइप है, एंड मेरे पास और क्या ड्रैगन टाइप है, ये डिनोसोम भी ड्रैगन टाइप ही है। चलो गाइस डिनोसोम को भी लेना पड़ेगा, मेरे पास और भी एक शक्तिशाली डिनोसोम था आई थिंक। ये कौन से लेवल का? ये लेवल 19 का है, इसको लेना पड़ेगा। एंड नाउ गाइस ओके किंग पाका को लेकर के जाएंगे, चिलेट को लेकर के जाएंगे, नाइट विंग हाँ नाइट विंग को भी ले सकते हैं, बट और इन दोनों को तो अभी ले नहीं पाएंगे क्योंकि ये लोग तो फेंट हो चुके हैं, जैसे कि डेक पर 9 मिनट लगेंगे इनको आने में। तो हाँ ग्रीन टेल को लेके जा सकते हैं। ग्रीन टेल को लेके जाऊँ क्या? ग्रीन टेल इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, बट फटाक से स्टोन ब्लस नहीं गाइज समझ में नहीं आ रहा कि किसको लूँ किसको नहीं। आई थिंक गाइज रेहाउंड को लेकर के जाना चाहिए। हाँ रेहाउंड को लेकर के जाते हैं इसके जगह, नाइट विंग के जगह। ऑल राइट गाइज मेरा टीम सेट हो चुका है, अब चलो देखते हैं गाइज मैं केट्रेस को यार पकड़ पाऊंगा कि नहीं, हरा पाऊंगा कि नहीं। केट्रेस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग डार्क टाइप। ठीक है बट मुझे और डार्क टाइप नहीं चाहिए यार, मेरे पास काफ़ी औसम डार्क टाइप्स हैं। एंड मैं गीगा स्पीयर को लेने, ओके गीगा स्पीयर आ चुका है। अब गाइस कुल मिला करके मेरे पास 6 गीगा स्पीयर है। लेट्स गो बॉय केट्रेस यू आर नेक्स्ट। ठीक है केट्रेस को डेफिनेटली मैं हराने वाला हूँ, लेवल 23 का है, मैं डेफिनेटली अपना 100% देने वाला हूँ, एंड केट्रेस को मैं हराने ही वाला हूँ ब्रो, डोंट वरी। एक चीज़ लेकिन गाइस, रात के समय में ना यार डार्क टाइप पालों का पावर भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं, मतलब डार्क टाइप पाल्स का पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो देखते हैं गाइस आज क्या होता है क्या नहीं, लेट्स फाइंड आउट। गाइस केट्रेस इज हियर, 1858 हेल्थ है, एंड आई थिंक गाइस मैं पता नहीं हरा पाऊंगा कि नहीं, बट मैं पहले ड्रैगन टाइप डिनोसोम को भेज रहा हूँ। वो ये क्या कर रहा हूँ यार गाइस, क्या लगता है मैं हरा पाऊंगा? ये बॉय ये फायर टाइप हमले भी यूज़ कर रही है यार केट्रेस को,
यार टाइप एडवांटेज के बारे में भली भांति आती है। शिट, शी इज कमिंग टू हिट मी। अरे मेरे को मत मार यार। अरे 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 डिनोसम, डिनोसम ग्रास टाइप हमले मत यूज कर यार। गैस डिनोसम मरने वाला है। डिनोसम मरने से पहले गैस मुझे रेहाउन को निकाल लेना पड़ेगा। रेहाउन जा हेल्प कर मेरे को, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी शॉक दे। वैसे गैस ये डार्क पल्स ही यूज कर रही है, ठीक है? तो ये डार्क पल्स काफ़ी स्लो है, तो वक्त ही वक्त है, ठीक है? वक्त ही वक्त है। मैं आराम से यार केट्रेस को भी पकड़ पाऊंगा, आई गेस तो पकड़ पाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो यार 300 HP तो डाउन हो ही चुका है। कमान 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 कर सकता है, बट केट्रेस कमाल का हमला दे रहा है, केट्रेस कमाल का हमला दे रहा है, ठीक है? यार डैमेज बहुत बढ़िया दे रहा है, मुझे अपने पालों को मारना नहीं है। चल किंग पा का अपना पावर दिखा दे, अब मजा आने वाला है ब्रो। लेवल 22 वर्सेस लेवल 23। किंग पा का स्लैम दे। अरे ये गाइस ये स्लैम देने ही वाला था, बट ये अटक चुका है। कमान किंग पा का उधर स्लैम मत दे यार, इधर इतना बड़ा ये चीज है तो अटक जाएगा। गाइस ये किंग पा का अटक क्यों चुका है यार? किंग पाका को क्या हो? शेट गाइस पता नहीं गाइस मेरे किंग पाका को क्या हो चुका है। किंग पाका तो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब करेगा, अब करेगा, अब करेगा। बहुत बहुत बढ़िया, क्या स्लैम था ये, बहुत ही बढ़िया स्लैम था। नाइस नाइस नाइस, लगा दे लगा दे लगा रहे। ओके 479। यार ये कहाँ पे मार रहा है गाइस ये किंग पाका यार? गाइस मैं तो मर ही जाऊंगा डेफिनेटली, गाइस मैं ऐसे तो मर जाऊंगा ब्रो। अब चलो गाइस चीलेट को लेकर के आना पड़ेगा, चीलेट को लेकर के आना ही पड़ेगा ब्रो। ओके अपने ड्रैगन टाइप मूव से इसको हमला दे ब्रो। चीलेट तो कर सकता है। नाइस 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 नाइस। ओह शिट गाइस मेरा भी यार स्टेमिना काफ़ी डाउन है, एंड ये मेरे को ही चेस करती हुई आ रही है। मुझे भागना पड़ेगा, ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। ओके ठीक है, मैं इस तरफ ही छुप जाऊँगा। कमान 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 कमान। चीलेट बहुत अभी तक बहुत बढ़िया बैटल कर रहा है चीलेट। कमान चीलर अपने ड्रैगन टाइप मूव यूज कर ब्रो। शेट ये भी जल चुके हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओ नो नो नो, चीलर को मारने नहीं देना है, चीलर को मारने नहीं देना है। ओके आई मीन मरने नहीं देना है, ठीक है? डेसिड्यू और डेसिड्यू ही बोल रहा हूँ यार। रॉबिन क्यूल इसको मार, ये इसको मार अपना सुपर स्पेशल। हाँ ये एरो यूज कर, इस एरो से अरे 64 का ही डैमेज पड़ा क्या? गाइस ओनली 64 डैमेज। कमान 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 कमान। गाइस क्या होगा गाइस, क्या लगता है मैं केट्रेस को पकड़ पाऊंगा? रॉबिन क्यूल तो अच्छा ही मार रहा है ब्रो, और मुझे लग रहा है मैं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि गाइस 848 लेवल में तो आ ही चुके हैं। चलो गाइस अब फिर से गाइस डिनोसम को निकालते हैं, क्योंकि डिनोसम का HP फुल हो चुका है। ओके डिनोसम नाइस, वेरी नाइस वेरी नाइस। कमान 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 कमान। 747 HP में आ चुकी है। ओके नाइस, ये भी बहुत बढ़िया मूव था, बहुत बढ़िया मूव था। डिनोसम मरने वाला है, अब रेहाउन को निकालना पड़ेगा गैस। रेहाउन को क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि गैस रेहाउन इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, जिससे कि ये पैरालाइज हो सकती है। जैसे कि देख पा रहा हूँ गैस, ये पैरालाइज जब होगी तो मैं इनको पकड़ने वाला हूँ। चलो गैस पूरी गैस मैंने ओ अब मौका है आई थिंक गैस। दो गीगा स्पेयर तो मेरा गया, दो गीगा स्पेयर गया। आ जा किंग पका तुम आ जाओ फिर से। अब मेरे पास टोटल 4 GB है। नाइस, कैन आई बेकार चीजें करता रहता हूँ ब्रो। अब सिर्फ तीन आ जाओ। एकदम बैक से मैंने मारा, अब देखते हैं आएगी कि नहीं। आई थिंक आ जाएगी, आ गई। मैंने और एक खतरनाक वाले बॉस को पकड़ लिया, केट्रेस को। गाइस सीरियसली बता रहे हैं, मजा सा आ गया यार, मजा मतलब बहुत ज्यादा मजा आ गया। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, बाय बाय, चेक योर सायोनारा। एंड ऑल्सो गाइस मैं देख पा रहा हूँ ये तो लेवल 22 का हो चुका है चीलर, एंड उसने बहुत सारे न्यू मूव्स भी सीख लिया है। चलो गाइस मिलते हैं, ठीक है? एक मिनट गाइस, ऐसे मिलेंगे ना, बाय बाय, चेक योर सायोनारा, लॉट्स ऑफ लव टू यू।